नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हाई ब्लड प्रेशर में डाइट कैसे मेंटेन करेंगे वो बताऊंगी। तो वीडियो पूरा अंत तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। पर डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगी ब्लड प्रेशर रिलेटेड, जो आपके नॉलेज में होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कितने में ब्लड प्रेशर नॉर्मल होता है, क्या रिस्क होता है, सिम्टम्स क्या आती हैं एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारा नॉर्मल प्रेशर क्या होता है। तो नॉर्मल प्रेशर दोस्तों 120/80 होता है। इससे ऊंचा आपके हाई ब्लड प्रेशर में काउंट होता है। तो अब जान लेते हैं हम लोग कि क्या क्या कारण होती है हाई ब्लड प्रेशर होने की। एक्सेस सॉल्ट, खान पान में ज़्यादा सॉल्ट लेना, ये एक कॉज है हाई ब्लड प्रेशर के। नॉर्मल आर्टरीज हमारे बॉडी में जो आर्टरीज होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जिसके कारण नॉर्मल ब्लड फ्लो नहीं हो पाता, जो कि ये भी एक कारण है हाई ब्लड प्रेशर की। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, स्ट्रेसफुल लाइफ। सेकेंडरी कॉजेज ये होते हैं हेल्थ कंडीशंस होता है, सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं, रिक्रेशनल ड्रग्स होते हैं, प्रेगनेंसी होती है और हार्मोनल थेरेपीज होती हैं। ये सारे कारण हैं जो हमें हाई ब्लड प्रेशर क्रिएट करवाता है। अब हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से हमारे ऑर्गन्स में क्या क्या दिक्कतें आती हैं वो हम देख लेते हैं। हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण स्ट्रोक होता है, जिसके कारण जिसमें ब्लॉक्ड हो जाता है ब्रेन में जो ब्लड फ्लो होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है, जिसके कारण स्ट्रोक होता है। विजन लॉस हो जाती हैं, किडनी फेलियर हो जाता है, पेरिफेरल आर्टरीज होती है, कॉग्निटिव चेंजेस आ जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाती है, हार्ट फेल हो जाते हैं, सेक्सुअल डिसफंक्शंस होते हैं। ये सारी दिक्कतें हमारे ऑर्गन्स में होती हैं ब्लड प्रेशर हाई होने के वजह से। हमें कैसे पता चलेगा दोस्तों कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है या उसके कंडीशंस बन रहे हैं? क्या क्या सिम्टम्स आएंगे हमारे अंदर जिससे हम ये समझ सकते हैं कि हमें हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है? तो चलिए दोस्तों हम साइन एंड सिम्टम्स भी देख लेते हैं जल्दी से। साइन एंड सिम्टम्स में हमें डिजीनेस होगी, लाइट हेडेक होगा, डिजीनेस, ब्लड विजन होगी, हमें अच्छे से क्लियर कुछ दिखाई नहीं देगा, धड़कने तेज होंगी, रैपिड हार्ट रेट होंगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन में कमी हो जाएगी, फैटिक होगे और ब्लड प्रेशर आपके हाई होंगे। चेक करने पे आपके ब्लड प्रेशर 130 से ज़्यादा आएंगे। तो अब चलते हैं हम डाइट से। अब हम डाइट देख लेते हैं कि हमें ब्लड प्रेशर में डाइट कैसे लेना है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमें क्या क्या डाइट में लेना है। हमें अपने डाइट में पोटेशियम रिच डाइट लेना है, मैग्नीशियम रिच डाइट लेना है, वेजिटेबल्स लेना है, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स लेना है, सारे वेजिटेबल्स हम अपने ले सकते हैं डाइट में, फ्रूट्स ले सकते हैं, होल ग्रेन्स ले सकते हैं, फैट फ्री और लो फैट डायरी ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, पोल्ट्री ले सकते हैं, बीन्स ले सकते हैं, नट्स एंड सीड्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि हमें क्या क्या अवॉइड करना है। फैटी मीट्स अवॉइड करना है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड करना है, शुगर स्वीटेंड बेवरेजेस अवॉइड करना है, स्वीट्स अवॉइड करना है और अपने खाना में सोडियम इंटेक करना है, अपने खाना में कम नमक लेना है। इससे हमें प्रेशर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मैग्नीशियम रिच डाइट्स हमें लेना है। मैग्नीशियम रिच डाइट्स हम लोग देख लेते हैं कि किस किस में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, टॉप 10 मैग्नीशियम रिच डाइट्स हैं जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा है, जो हमें ब्लड प्रेशर में लेने चाहिए। स्पिनेच ले सकते हैं, कर्ड ले सकते हैं, पम्पकिन सीड्स ले सकते हैं, योगर्ट, आलमंड्स ले सकते हैं, ब्लैक बीन्स ले सकते हैं, एवोकाडो ले सकते हैं, फिग्स ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट्स एंड बनाना, ये सारी चीज़ों में मैग्नीशियम ज़्यादा पाए जाते हैं, तो आप इसे ले सकते हैं। और आप अपने खान पीन में एक
और भी आप अपने खाना में सुबह आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि गार्लिक ओनियन जूस के साथ आप सुबह खाली पेट लें तो ये बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। अब हम देख लेते हैं कि हम प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कंट्रोल करने के लिए प्रेशर, ब्लड प्रेशर को। तो हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हाई पोटेशियम एंड फाइबरस डाइट ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी सकते हैं, एक्सरसाइज हम रेगुलरली करके अपने प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, स्मोकिंग अवॉइड कर सकते हैं, स्मोकिंग अवॉइड करके हम अपने प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, अल्कोहल को लिमिट करना है, साल्ट अपने खाना में कम लेना है, अवॉइड करना है स्ट्रेस को और मेंटेन करना है हेल्दी बॉडी वेट को। ये सारी चीज़ों से हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।